बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुडा की अगर बात करें तो वो अपनी फिल्में फिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फिलेक्टिव नज़र आते हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करेंगे और उस फिल्म से जुड़ा 10 बड़ा अपडेट आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आप सबका दोस्त और बॉलीवुड रेट्रो का होस्ट। अपडेट नंबर 1, भारत के स्वतंत्र वीर सेनानी और रिफॉर्मर स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बायोपिक यानी कि जीवनी में नजर आएंगे। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि फिल्म को इसी साल 22 मार्च यानी कि शहीद दिवस पर रिलीज किया जाना है। तीसरा अपडेट है कि फिल्म को ऑफिशियली 2 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाना है, एक तो हिंदी और दूसरी मराठी। चौथा बड़ा अपडेट ये है कि रणदीप हुडा एक्टर होने के साथ साथ ही इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी कर रहे हैं। रणदीप हुडा इस फिल्म का डायरेक्शन भी कर रहे हैं। अपडेट नंबर 5, इस फिल्म में रियल लगने के लिए रणदीप हुडा ने अपना 26 किलो वजन कम किया है। वो 4 महीने तक सिर्फ 1 गिलास दूध और खजूर खाया करते थे, जिसके वजह से रणदीप इस रोल के लिए अपने आप को फिट कर सके। साथ ही साथ रणदीप हुडा ने अपने बाल भी मुंडवाए, जिसके लिए वो इस रोल के लिए फिट हो सके। अपडेट नंबर 6, रणदीप हुडा वीर सावरकर के पोते से भी मिले ताकि वो उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके और उनके रोल को इंसाफ दे सके। 7वां बड़ा अपडेट ये है कि फिल्म में वीर सावरकर के वकालत से लेकर काला पानी तक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। 8वां बड़ा अपडेट ये है कि फिल्म में एक खास प्रसंग दिखाया जाएगा जहां वीर सावरकर अपने कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं। इस प्रसंग में ये बताया गया है कि वीर सावरकर जी कहते हैं कि ये कपड़े सिर्फ तन ढकने का साधन ही नहीं, बल्कि इस कपड़ों के साथ जलेगी ब्रिटिश हुकूमत। 9th बड़ा अपडेट ये है कि फिल्म में वीर सावरकर की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें 2 देशों में उनकी किताबें बैन, उन्हें 2 बार आजीवन कारावास, फिर भी वो किस तरह राष्ट्र सेवा में अपने आप को सक्रिय रखे थे। इसके अलावा अंडमान के जेल में उन्होंने किस तरह दीवारों पर कोयले से आज़ादी की कविताएं लिखी, साथ ही साथ काला पानी के दौरान उन्हें किस तरह कोल्हू के बैल की तरह यातनाएं दी जाती थी, ये सारी कहानी आपको फिल्म में दिखाई जाएगी। 10वां और लास्ट अपडेट की बात करें तो फिल्म में रणदीप हुडा के साथ बिग बॉस के घर से हाल ही में हार कर लौटी अंकिता लोखंडे भी नज़र आएंगी और इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स को भी कास्ट किया जाना है। तो ये था फिल्म से जुड़ा 10 बड़ा अपडेट। इसके साथ ही आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ। अपनी एक फिल्म के लिए रणदीप हुडा ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया है, उस फिल्म का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो। टिल देन टेक केयर, बाय।